सीबीएसई बोर्ड 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जल्द होंगे घोषित। घर बैठे आसानी से कैसे चेक करें रिजल्ट, यह है आपके लिए सबसे आसान तरीका। सीबीएसई बोर्ड 10वीं और 12वीं के नतीजे जल्द ही घोषित करने वाली है। अपना रिजल्ट आप आसानी से घर बैठे भी चेक कर सकते हैं। ये बहुत ही सरल और आसान तरीका है। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस आपको सीबीएसई के ऑनलाइन रिजल्ट चेक वेबसाइट results.cbse.nic.in और cbse.gov.in पर जाना है, जहां 10वीं और 12वीं बोर्ड के नतीजे ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ साथ आप अपना रिजल्ट और भी कई आसान तरीकों से चेक कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभार एक साथ लाखों छात्रों के वेबसाइट चेक करने की वजह से वेबसाइट डाउन हो जाती है और आपको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन इससे बचने के लिए हम आपको बताने जा रहे हैं वो आसान ऑप्शंस जिनसे आप अपना समय बचा सकते हैं। इसमें सबसे सरल तरीकों में से एक है मोबाइल मैसेज के जरिए अपना रिजल्ट चेक करना। इसके लिए आपको अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर CBSE 10 या CBSE 12 स्पेस अपना रोल नंबर टाइप करना होगा। इसके बाद आप इसे 7738299899 पर अपना मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हैं। ऐसा करते ही आपको अपने फोन पर अपना रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन छात्र इस बात का भी ध्यान रखें कि ये नंबर सीबीएसई बोर्ड ने 2022 में जारी किया था। अगर इस रिजल्ट सर्विस नंबर में कोई बदलाव नहीं होता तो आप इस बार भी इस नंबर से मैसेज के थ्रू अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एक दूसरा आसान तरीका है उमंग ऐप से रिजल्ट चेक करना। इसके लिए आपको अपने मोबाइल पर सबसे पहले उमंग ऐप डाउनलोड करना होगा। इसमें रजिस्ट्रेशन के बाद आप अपने लॉगिन अकाउंट में जाकर सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट देख सकते हैं। अपना रिजल्ट चेक करने का एक तीसरा और आसान तरीका है डिजी लॉकर। इसके लिए आपको digilocker.gov.in पर जाना होगा। वहां पर आप डिजी लॉकर ऐप ओपन करें। इसमें कुछ जरूरी क्रेडेंशियल्स होंगे जिन्हें पूरा कर आप आसानी से लॉगिन कर सकते हैं। इसमें आपको रिजल्ट के ऑप्शन मिलेंगे, जहां आप 10th या 12th का रिजल्ट का ऑप्शन चूज कर अपना रोल नंबर और मांगी गई कुछ जानकारियों को फिल कर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। आपको बता दें कि बोर्ड एग्जाम 10th और 12th में कुल मिलाकर इस बार 38,83,710 छात्रों ने परीक्षा दी थी। इसमें एक खास बात यह है कि सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट के साथ टॉपर्स की लिस्ट शेयर नहीं करेगी। इसके पीछे की वजह बताते हुए सीबीएसई का कहना है कि छात्रों के बीच कॉम्पिटिशन को ध्यान रखकर टॉपर्स की सूची जारी नहीं की जाएगी, जबकि छात्रों को परसेंटेज की जगह ग्रेडिंग सिस्टम A1, A2, B1, B2 आदि दिया जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।